नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, आप देख रहे हैं अड़ी। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि देश में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। इस साल भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमोक्रेसी है। इनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में इस आधार पर खारिज कर दिया था संविधान को कि मनुस्मृति की प्रेरणा नहीं मिली थी। अब ऐसे में देश में बहस छिड़ गई है कि कौन है संविधान का रखवाला, क्योंकि विपक्षी दल मोदी सरकार पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं और वो अपने आप को संविधान का रखवाला बताते हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाओ। उधर बीजेपी 1975 में देश में लगे आपातकाल का हवाला देकर कांग्रेस पर संविधान की हत्या का आरोप लगा रही है। इसी बहस के बीच सरकार का यह ऐलान कांग्रेस के बढ़ते कॉन्फिडेंस को कमजोर करने के लिए माना जाए तो आज की अड़ी इसी पर, संविधान हत्या दिवस सियासत या हकीकत। और देखिए, इसी से जुड़ी सबसे बड़ी सबसे पहली खबर आपको बताऊं, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इमरजेंसी पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नोटिफिकेशन ट्वीट किया एक्स पर। भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करेंगे। वो नोटिफिकेशन बिग वॉल पर भी है, जरा दिखाइए पीसीआर बिग वॉल पर। मैं अपने दर्शकों को वो नोटिफिकेशन पढ़ के भी सुनाता हूं, मेरे हाथ में भी वो नोटिफिकेशन है, इस पर भी आप दिखा सकते हैं। दिखाइए जल्दी से, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत अहम है। अब इस पर राजनीति जमकर हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बड़ी आवाजें आ रही हैं। ये नोटिफिकेशन जो कहता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से 11 जुलाई 2024 को यह सूचना जारी की गई, जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। यह नोटिफिकेशन आपके सामने, देखिए क्या कहता है, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए, और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। यह नोटिफिकेशन मेरे हाथ में जो है, यह ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह ने। यह नोटिफिकेशन आप देखिए, और इस नोटिफिकेशन के आधार पर यह कहा गया है कि अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, अब इस पर जमकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यह देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, और यहां पर अब यह कहा गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आ गया है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट, आपातकाल कांग्रेस राज का काला दौर, यह कहा है पीएम मोदी ने। बड़ी खबर, लोग याद रखें संविधान को कुचला गया था, पीएम मोदी ने यह कहा है। उनका वो पूरा ट्वीट मैं आपको सुनाता हूं जो उन्होंने कहा है, क्योंकि यह बहुत एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। संविधान बचाओ को लेकर पूरे चुनाव में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और अब सरकार कह रही है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट, यहां पर जहां वो इस बात को कहते हुए कि किस तरह से 25 जून को हैशटैग संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा।
और इसी पर एक बड़ी खबर आ रही है। संविधान हत्या दिवस मनाने पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है।